पूर्व जनपद सदस्य जगदीश सुमन ने विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी को हराने का किया दावा, कांग्रेस से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही उपचुनाव की सरगर्मी पूरे क्षेत्र में बढ़ा दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सब तैयारियों में जुट गई है। जहां बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से टिकट की दौड़ में कई नेता है जो अपने जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव फतह करने की बातें कर रहे हैं। फिलहाल तो ये लगता है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी चयन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है और समय ऐसे ही प्रत्याशी टिकट की दौड़ में है जो अपने समाज का अच्छा वोट बैंक रखते हैं। ऐसा ही एक नाम जगदीश सुमन का है जो कि एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ समाज सेवी भी है और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जनसेवा से जुड़ी हुई है। विभिन्न पदों पर रहने वाले जगदीश सुमन ने अब उपचुनाव में कांग्रेस टिकट को लेकर कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए वह आलाकमान से मिले हैं। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दे रहे हैं। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम जगदीश सुमन है, जिसे जगदीश कुशवाहा भी लगाते हैं। हम ग्राम मालीपुरा से रहने वाला हूं और दो बार सरपंच रहा हूं मैं, सन 94 में और जिसके बाद में फिर सरपंच रहा हूं डबल में, फिर 2010 में ये जनपद सदस्य रहा हूं, महिला बाल विकास के अध्यक्ष रहा हूं और 94 मैंने महिला बाल विकास कार्यकर्ताओं की भर्ती भी करवाई थी और मैं अभी चुनाव लड़ने में विजयपुर से तैयारी कर रहा हूं कि मुझे भी, मेरी समाज भी बहुत बड़ी है, 32,000 वोट करीब हमारे समाज का है, तो हमें भी टिकट चाहिए, या तो हमें चुनाव लड़ाओ और नहीं लड़ाते हो तो फिर जो दो बारी जनपद अध्यक्ष रहा आदिवासी का, उसको टिकट दे दो, हम उसी के साथ लग जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे दो टिकट, हम चुनाव लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, भयंकर ताकत दिखाएंगे और सीट को निकाल के भी देंगे। अभी आप किस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं? अभी कांग्रेस से कर रहे हैं हम मांग। क्या किन लोगों से आपकी चर्चा हुई है? मेरी चर्चा होगी बाबा साहब से चर्चा होगी और बैगनाथ पूर्वी अपना अरे विधायक है सबलगढ़ से, तो उनसे मेरी चर्चा होगी। उन्हें की जगदीश जी सोचेंगे, देखेंगे, चलने दो, अभी तो नाम चलाओ देंगे। और अतुल सिंह चौहान जी से मेरी बात होगी, तो और क्षेत्र में घूम रहा हूँ अभी बराबर। अभी 4 तारीख को जीतू पटवारी आने वाले हैं। हाँ, तो विजयपुर जाएंगे, तो लगभग उसी के बाद टिकट का फाइनल होने वाला है। हाँ, उसी के बाद ही टिकट फाइनल होगा, तो उसी में जाएंगे हम और मांगे रखेंगे हमारी, और अपने समर्थकों को लेके जाएंगे। हाँ, समर्थकों को लेके जाएंगे और जनता के बीच में आज तक काम भी किया और आज तक कभी किसी से 1 रुपये दलाली नहीं खाई। जीवन में कोई नाम बता दे कि हाँ 1 रुपये दलाली का ले लिया, तो हमारा चुनाव लड़ने का मन बन रहा, चुनाव लड़ेंगे हम। यदि आप ये मानिए कि यदि टिकट नहीं हो पाता है कांग्रेस से, तो फिर टिकट नहीं होगा तो फिर भी चुनाव लड़ेंगे हम, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चुनाव, मतलब इस बार चुनाव लड़ने का पूरा मन, पूरा मन है, चुनाव लड़ेंगे, अगर कहा ही नहीं तो ढुलाई से ही फिर किसी को लुटकाएंगे हम। भाई हमारे दिल में है कि भाई ये आदमी लुटकाना, हमने तो उसको लुटकाएंगे हम। क्या मतलब ऐसी जरूरतें हैं आप देख रहे हो कराल विजयपुर क्षेत्र में, होने चाहिए आज जो नेता नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना अलग अलग काम, आज तक कोई ने काम नहीं करवाया, ना तो नौकरी दिलवा रहे, न सही तरीके से शहरिया विकासों में काम हो रहा है, गरीब क्षेत्र है पूरा, ट्राइबल क्षेत्र है, ना तो इसमें कोई काम करता है ना कोई सुनता है, बस आराम से गाड़ी के लगा लिया हॉर्न और चल रहे आराम से घूम रहे, बस राजनीति के नाम से ऐस कर रहे, ऐस कर रहे। अभी बीजेपी ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सीताराम जी बना दिए, क्या सोचते हो क्या फर्क पड़ेगा इससे? सीताराम जी अध्यक्ष बना दिए प्राधिकरण के, तो सीताराम जी के लिए बनाए, पहले गोरस से लेके श्योपुर तक गाड़ी लेके घूमता रहता, अब गाड़ी लेके घूमता रहेगा, काम कोई मतलब फर्क, काम पहले भी नहीं करा और काम फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे, आजकल जनता सब जागरूक है। अब लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव को देखते हुए इनको पद दे दिया, हाँ आदिवासी समाज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं प्रभाव पड़ेगा वो तो खुद खुद अपनी रोटी सेक रहा, दूसरे की कच्ची रहे या जले, उससे इनको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। क्या मानते हैं सामने जो प्रबल दावेदार हैं बीजेपी से रामनिवास रावत जी, इनको टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस से यदि आपको हो जाए? टक्कर दे पाए नहीं, हम सीढ़ी निकाल ले जाएंगे, हाँ पूरी श्योपुर विधानसभा समेत के बिस्तर इधर आ जाएंगे, पूरी समाज का बिस्तर इधर आ पड़ेंगे, घर घर में, गाँव गाँव में, पूरी जितनी मेरी समाज की गाड़ियां है पूरी गाड़ियां लग जाएगी, यानी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमदारी चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की पूरी आपकी उम्मीद है? हाँ उम्मीद भी है, अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो 101% जीतने की उम्मीद है ना। भाई रामनिवास जी जीतता कहाँ, विजयपुर से हमेशा हारते थे, कराल क्षेत्र में आके जीतते थे, जीतते कितने से, 2,000 या 2,500 वोटों से, आज तक जीत कितनी हुई उनकी, अगली बार कुशवाहा का चुनाव लड़ा दिया वो तो इसलिए 18,000 वोट से जीत गए,
अगर कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ते तो फिर भी रामनिवास चुनाव हार रहा। यानी आपके समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव में। बहुत बड़ी भूमिका क्या, सेकंड नंबर की भूमिका है, क्योंकि आपके वोट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा वोट है हमारे, और हमारे लिए न तो ये पार्टी वाले जगह नहीं दे रहे, इसलिए अगर एक दो बारी टिकट देखे तो देखे, हमें टिकट दे, जब जाकर पता चले पार्टी को कहाँ यार है शिवपुर में विधानसभा में विजयपुर विधानसभा में वोट इनके। अभी आल इन पार्टी वालों ने हमारी ताकत नहीं देखी, पूरी विधानसभा में देखा है, मंत्री था वो जो कैलाश कुशवाहा जी ने अभी 50,000 वोट के समथिंग हरवाया चुनाव। कुशवाहा की बहुत बड़ी ताकत है अब है, और आजकल चुनाव क्या कि जातिवादी पे ही ज़्यादा होने लग गया, वैसे चुनाव नहीं होगा अब, जातिवाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये जायज बात है। तो कुशवाहा जी मतलब अब आप चुनाव के पूरे मूड में है, मतलब पूरे मूड में तो आप कह रहे हैं कि आपके समर्थक हाँ, या तो कोई आदिवासी चेहरा कोई हो है हमारी समर्थन वो समाज गए वो मिलने वाला आपके समर्थन वाला उसको दे दो, और नहीं तो फिर वो कह देगा अगर वो मेरे साथ चलेगा गाड़ी में, अगर मेरे को देंगे तो और उसको देगा तो मैं उसकी गाड़ी में चलूँगा। तो इस बार मतलब हमें विधायक चाहिए, सीधी बात है, इस बार चुनाव फंस गया है, मतलब फंस गया कांग्रेस का विधायक चाहिए हमने, मतलब इस बार हम मान के चले कि बीजेपी जो अपने सीट को पक्की मान रही है वो पक्की है, पक्की नहीं है किसी भी कंडीशन में, नहीं पक्की कोई यार हालत में पक्की नहीं है वो तो अभी। तो आप 4 तारीख के बाद ये साबित करेंगे कि आप निर्दलीय जाएंगे या पार्टी से होगा, 4 तारीख के बाद ही आप नहीं, जब टिकट क्लियर हो जाएंगे जिसके बाद बनाएंगे वो मन, तो अभी तो पार्टी का है, पार्टी से पूरा काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, रात दिन चलेंगे। टिकट तय होने के बाद यदि आपको नहीं मिलता तो फिर आप निर्दलीय के लिए, फिर निर्दलीय के लिए मन तो बना सा कि ये मन तो बन गया, जब तो मैदान में आए, जब क्षेत्र में चल रहे, क्षेत्र में आपको कैसा वो मिल रहा है, मतलब जनता का क्या रुझान मिल रहा है? क्षेत्र का तो अच्छा रुझान है मेरे को, मतलब भाजपा के पक्ष में है क्या माहौल? माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं है, अगर नहीं वो प्रत्याशी देख के जाएंगे। अच्छा। अगर जैसे आज मेरे को मिल जाता है मेरा पूरा एक क्षेत्र है वो आउदा बेल्ट कराल तक, तो इधर सब एक गाँव ढाणी ढाणी में मेरा संपर्क है, गाँव गुजर है मारवाड़ी है सब में संपर्क है मेरा, तो सब में से मैं पाती पढ़ा लूँगा वोटों की, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, मैं एक गरीब आदमी हूँ फिर भी मैं सीट को निकाल के दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने पार्टी को सोचने पे मजबूर कर दिया है, पार्टी को तो सोचने पे मजबूर कर दिया, और पार्टी अगर टिकट दे देगी तो पार्टी तो सोचेगी क्या, चाहे पार्टी से नोट क्या सोने की ईंटें बांट दे वोटर को,